नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। कानपुर से पुलिस वाले का शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया। यहां एक सिपाही गर्मी से गस खाकर जमीन पर गिर गया तो दरोगा उसे इलाज के लिए पहुंचाने की जगह वीडियो बनाता रहा। लोगों ने दरोगा की हरकत पर एतराज जताया तो दरोगा ने सिपाही को अस्पताल पहुंचाया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना कानपुर सेंट्रल स्टेशन के पास घटी। दरोगा का वीडियो अब वायरल हो रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है दरोगा के खिलाफ आक्रोश जता रहा है। लोगों ने दरोगा पर कार्रवाई की मांग भी कर दी है। बताया जा रहा है कि झांसी के समथर निवासी ब्रिज किशोर सिंह पुलिस लाइन में तैनात थे। वो 18 जून को 3 दिन की छुट्टी लेकर गृह जनपद जाने के लिए सेंट्रल स्टेशन जा रहे थे। इसी बीच हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास गर्मी के कारण वह गस खाकर गिर पड़े। वहां मौजूद जीआरपी का दरोगा सिपाही के पास पहुंचा, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय उसका वीडियो बनाता रहा। दरोगा की हरकत पहले लोग देखते रहे, सिपाही इस दौरान तड़पता रहा और दरोगा वीडियो बनाता रहा। दरोगा की वर्दी की हनक के आगे कोई कुछ बोल नहीं सका। जो आसपास के लोग थे और इलाके के लोग दौड़े और सिपाही पर पानी के छींटे मारकर कुछ राहत देने की कोशिश की। आसपास के लोगों को जब लगा कि सिपाही की हालत ज्यादा बिगड़ रही है तो दरोगा की हरकत का विरोध किया। इसके बाद दरोगा ने सिपाही को अस्पताल भेजा, जहां सिपाही को मृत घोषित कर दिया गया। और एसपी कलेक्टरगंज मोहसिन खान ने बताया कि परिजनों को घटना की जानकारी दी गई है, वह शहर के लिए निकल चुके हैं। वहीं आपको बताते चलें कि अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग अपनी अपनी राय भी उसमें कमेंट में दे रहे हैं और लोग जो है लगातार दरोगा को कोसते हुए भी नजर आ रहे हैं। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।